सुखस यही है गढ़ का लेवा और यही है एंट्री द्वार उसका। और अब हम लोग यहाँ पे एंट्री अंदर लेते हैं, घुसते हैं, उसके बाद सारे चीज़ मैं आपको दे आता हूँ। ये गढ़ कलेवा का एंट्री द्वार है और यहाँ से लोग घुसते हैं। गढ़ कलेवा इसके अंदर है, कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं तो वो गढ़ कलेवा के अंदर है। मैं बाहर में ही खड़ा हूँ अभी और बाहर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद अंदर में अंदर फिर एंट्री लेते हैं। इसके जस्ट बाजू में दोस्तों ये महंत घासीदास संग्रहालय है, पहले दोनों जुड़ा हुआ था लेकिन अभी उसको शायद बाउंड्री वॉल कर दिया गया है उस, या एक ही में होगा कंफर्म नहीं है। बाकी म्यूज़ियम भी इसके पास में है बाजू में। और देखिए गढ़ कलेवा का जो एंट्री द्वार है एकदम सिंपल सा है, सामने में खपरा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ी में बोले तो, और छप्पर और छोटा सा दरवाज़ा है खाली, और कुछ कुछ बस दीवार में कुछ लिखा हुआ है गढ़ कलेवा ज्ञानदीप कुछ ऐसा कुछ नॉर्मली जैसा, और ज़्यादा कुछ खास बड़ा गेट नहीं है। ये छत्तीसगढ़ राजधानी की मतलब जो व्यंजन होता है छत्तीसगढ़ी चीज़ों का, ये सारे चीज़ का भंडार यहाँ पे मिल जाएगा। और अंदर चलते हैं फिर इसके गढ़ कलेवा के जस्ट सामने अपोजिट में भी कुछ कुछ देखने लायक है, वहाँ कुआँ है कुछ, उसमें कछुआ वछुआ कुछ कुछ चीज़ें हैं, मछली मछली भी होगा उसमें तो, और कुछ कुछ चीज़ें हैं इस साइड देखने लायक, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो सामने में दिख रहा है कुछ कुछ अब बना हुआ, वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, देखते रहिए। और अब लेते हैं हम लोग एंट्री, और अभी हम लोग यार अंदर घुस चुके हैं, घुसते हैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। अभी जैसे कि थोड़ा बहुत खाली खाली दिख रहा है, शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, और फिर भी अभी भीड़ है आगे चलने पर दिखेगा, शुरुआत कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है यार। और यहाँ पे जो रसोई वसोई है यहाँ पे सामने में ही मिल जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे चल रहे हैं खरीद रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो छत्तीसगढ़ी चीज़ें होती है बड़ा भजिया और चीला, जो भी छत्तीसगढ़ी की चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे ध्यान से देखने पे सारी चीज़ दिख भी जाएगा, सुबह 12 बजे से रात को 8 बजे तक भोजन कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहता है, और सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है चीला फरा बफौरी चौसेला घुसका उड़द बड़ा मूंग बड़ा क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको यार मिल जाएगा। और यही कुछ सामने में दिखाई देता है ऐसा टच, यहाँ पे चीला वेला भी बनता है, काफ़ी सारे वीडियो में देखे भी होंगे, और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। नॉर्मली जैसा टेबल है एकदम छत्तीसगढ़िया चीज़ें, जैसे ये टेबल दिख रहा है सामने में एकदम गांव वाला टेबल और बैठने का टेबल, पूरा प्योर छत्तीसगढ़ियों का मतलब वो हर चीज़ों का संरक्षण किया जा रहा है यार यहाँ पर, और काफ़ी आगे तक फैल गए। पहले मैं मतलब साल भर के बाद आ रहा हूँ, वहाँ आगे में भी है रसोई जैसे सामने में दिख रहा है, और ये पेड़ दिख रहा है, एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, और इस पेड़ को भी बड़ा गजब टाइप से सजाया गया भाई। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कुछ क्या लिखा हुआ है, और ऊपर में भी बैठने के लिए कुछ कुछ बनाया गया हुआ, इसीलिए सीढ़ियाँ दिया गया। पास में एकदम आके दिखाता हूँ मैं क्या लिखा है, एकदम से मीठा हुआ 26 जनवरी 2016 को
शुरुआत किया गया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वीडियो बनाओ ना यार, तो बहुत सारे लोग देखने भी लग जाते हैं कि क्या कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है। आजकल सभी लोग समझ जाते हैं कि ब्लॉग बना रहा है या वीडियो बना रहा है, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है। अभी अभी कुछ लोग भी हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारे का नज़र मेरे ऊपर ही है क्योंकि वीडियो बन रहा है, तो शायद हो सकता है यूट्यूब में जाए। तो काफ़ी बेटर है यार, मतलब जो गढ़ कलेवा है और यहाँ पर कुछ सजावटी चीज़ों का रखा गया है। और गार्डन में भी यहाँ पे कुछ बनाया गया है, यहाँ पे सांस्कृतिक जैसे फवारा टाइप का। तो मतलब गढ़ कलेवा के जस्ट बाजू में गार्डन भी है, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक चीज़ों को भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बेस्ट है गढ़ कलेवा जो है, छत्तीसगढ़ी चीज़ों का यार बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, खाने पीने का और बैठने का। सामने में से टेबल रखा हुआ है और जो भी चीज़ है यहाँ पे पूरा एकदम छत्तीसगढ़ी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही बनाया गया है और छत्तीसगढ़िया लोगों को ही समर्पित है ये सारी चीज़ें। अभी चारों तरफ से देख लीजिए कुछ यही प्रकार का चीज़ है। काफ़ी सारे लोग अभी बैठे हुए हैं लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ अभी है नहीं। पिछले टाइम जब आया था मैं साल भर पहले, तो भी ज़्यादा भीड़ थी उस समय, और हो सकता है अभी 12 एक कुछ लगभग बजा हो दोपहर का, तो ज़्यादा लोग आते ना हो। तो और यहाँ पे एकदम पारिवारिक लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ पे एकदम छत्तीसगढ़ी स्टाइल में ये जगह भी बनाया गया, और ऊपर देखने पर यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ी चीज़ों का पूरा वो मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक। और कुछ लोगों का यहाँ मीटिंग वोटिंग भी चल रहा है। यहाँ पर भी बड़ा ही सुंदर टाइप से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बढ़िया टाइप से सजाया गया। यहाँ पर एक आदमी बैठा भी है, बैठने के लिए अलग सा जगह भी, और इस पेड़ के ऊपर में है बैठने लायक जो है सोफा ओफा लगा दिया गया ऊपर में, और परमिशन लेना पड़ता है जाने के लिए, या तो फिर यहाँ पे पहले बैठते थे ऊपर जाके लोग, लेकिन अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा तभी सामने में लिख दिया गया है कि ऊपर जाना खतरे से खाली है इस पाइप से। मतलब होगा कुछ काट डाली टूट गया होगा, हो सकता है, पहले तो चलता था। सो गाइस हमने जो है काफ़ी यहाँ पे घूम लिया है, सारी चीज़ छत्तीसगढ़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इन सारी चीज़ों को बनाया गया, और यहाँ पे पानी वानी पीने का यहाँ पे रसोई है, और यहाँ पर जैसे मैं हाथ भी रख दिया हूँ यहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़ी का ये तोता टाइप का है, तोता टाइप का बना है, और मतलब चारों तरफ से छत्तीसगढ़ी चीज़ों को यहाँ पे मतलब मज़ा ही आ रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक कप अभी चाय पी लिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे इतना दूर आ चुके हैं तो एक कप चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय काफ़ी ज़्यादा यहाँ की फेमस है। और अभी हम लोग के पास, मेरे पास अभी कैश है नहीं, और चलिए देखते हैं यहाँ पे पेटीएम चल पाता है कि नहीं चल पाता है। अगर पेटीएम चल पाता है तो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है यहाँ के लिए। बहुत सारे लोग अभी एंट्री ले ही रहे हैं और यहाँ पे रसोई है, चलो हम लोग पेटीएम चला के देखते हैं। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पेटीएम वगैरह चल जा रहा है,
क्योंकि यहाँ पे सामने में रखा हुआ है पेटीएम का ऑप्शन और सारी चीज़ यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। और चटनी वगैरह, चटनी तो भाई मैंने जो है पेटीएम कर दिया है, 5 रुपये चाय दो ना पहले। और जैसे पेटीएम करेंगे तो आप ये चीज़ मिलता है 5 रुपये का, और उसको सामने में देना पड़ता है जैसे कि चाय में, और देने के बाद वो चाय मुझे मिल गया। तो यहाँ पे टोकन सिस्टम टाइप का है, आपको डायरेक्टली कैश दोगे तो चाय नहीं मिलेगा, चाय के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और चाय जैसे कि मेरे पास आ ही चुका है, काफ़ी गर्म है, कहीं बैठ जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ का चाय जो है, और चाय के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सारे बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीने ही आते हैं सुबह और शाम। और अभी मैं एक जो चौरा जैसे बना हुआ है, छत्तीसगढ़ी में चौरा ही बोलते हैं, जहाँ पे चौरा जैसा ही बना हुआ है, यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ मैं, और यहाँ चाय का मज़ा ले रहा हूँ। और तो चाय हमने जो है पी ली है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है चाय यहाँ का, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सुबह शाम लोग यहाँ पे चाय पीने ही ज़्यादातर आया करते हैं। और कहाँ से के इसको डस्टबिन, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गढ़ कलेवा यहाँ लिखा भी हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं गढ़ कलेवा से, और अभी हम लोग जो है गढ़ कलेवा घूम चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और उसके अपोजिट में यह है, यहाँ पे कुआँ है, इसको भी एक बार हम लोग चल के देखते हैं। यहाँ गेट के उस पार है गढ़ कलेवा, और मैं आपको ये कुआँ दिखा रहा हूँ यार, कुआँ गढ़ कलेवा के जस्ट सामने में, और सामने कैमरा से देखते हैं। और भाई ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा फिर, ये देखो कितने साले जो है मछलियां हैं यहाँ पे। अरे वाह वाह वाह, सब उल्टे पड़े हैं मछलियां, देखो सामने में उल्टे ही तौर रहे हैं। बड़ा यार अनोखा तालाब है, सॉरी अनोखा कुआ है। बड़े बड़े जो मछलियाँ सामने में देखो, एकदम सामने में सीधे में काफ़ी सारे मछलियाँ हैं। अरे सारे मछलियाँ जो है उल्टे तौर रहे हैं यार, ये देखो, ये मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है, ये सारे मछलियाँ उल्टे तौर रहे हैं, उल्टे हैं उल्टे। अरे बाप रे, अब इसको ऐसा कह सकते हैं कि उल्टे कुएँ में उल्टे तैरती मछलियाँ। और यहाँ पे देखो सामने में कछुआ भी है बड़ा सा एक,
यहाँ पे सामने में कछुआ भी दिख रहा है और ये मछली दिख रही है जो सामने से आ रही है, ये कहाँ से, ये आपको सीधे दिखाई दे रही है, ये उल्टे है भाई। और जितने भी यहाँ पे मछलियाँ हैं सामने में, सारे मछलियाँ उल्टे तैर रही है। हो सकता है इनका प्रजाति ऐसा हो कि उल्टे तैरने वाली। बट मैंने जो है पहली बार अपने लाइफ में ये सोचा नहीं था यहाँ पे आने के पहले कि यहाँ उल्टे तैरने वाली मछलियाँ भी यहाँ दिखाई देगी। और काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पे काले वाले बड़े बड़े मछलियाँ भी दिख रही है सामने में, काले कलर का, चार पांच वहाँ पे मछलियाँ जो तैर रही है वहाँ नीचे में काले वाले मछली, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे मछलियाँ है। और यहाँ पे ये देखो पर्यटन के रूप में यहाँ पे जो भी छत्तीसगढ़ी का चीज़ें हैं यहाँ पे सामने में, वाह 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 क्या नज़ारा है भाई। इसमें कुछ दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है आदिवासी जो पानी वानी के लिए जो होते हैं उठाने का, वो उठा के चल रही। यहाँ पे और भी एक चीज़ देखने को मिला, यहाँ पे सामने में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसमें होता है हंडी फोड़ में, सेम वैसा यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे बड़ा सा हंडा टाइप से रखा हुआ है, और यहाँ पे एक और कलाकृति सामने में दिखाई दिया, ये देखो कुछ आदिवासी लोग यहाँ पे खड़े हैं इस प्रकार से यहाँ पे यार बनाया गया। और यहाँ पे मुखौटा उखौटा जैसा लगा हुआ है, और ये कोई खम्मा नहीं है, इसको भी छत्तीसगढ़ी टाइप से कुछ चीज़ है इसमें बनाया गया है और चलचित्र इसमें बनी हुई है। यहाँ पे मुखौटा लगा है बहुत सारे, 15-20 सारे आदिवासी लोग का जैसे वेशभूषा होते हैं उस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दिया है। और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है गुजराती टूरिज्म पर्यटन पुरातात्विक प्लास्टर। और यहाँ पे संग्रहालय भी है बाजू में, इस साइड है संग्रहालय जो है, ये जो लाल टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे म्यूज़ियम है। और उसका भी ब्लॉक का भी फिर से एक आध बार सेपरेट सा बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे है, यहाँ पे फिर कुछ चीज़ यहाँ पे बनाया गया है यहाँ पे सामने में, ये भी कुछ होगी छत्तीसगढ़ी चीज़ जैसे, कुछ इसमें दिखाई भी दे रहा है, कुछ बनावटी चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पे किसी का शकल है होगा, कुछ चीज़ें हैं। और काफ़ी आगे तक है कुछ कुछ पुरातत्व जो चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे बाहर ही रख दिया गया है। और चारों तरफ से कुछ न कुछ बना हुआ है, कोई ऑफिस टाइप से बना है यहाँ पे। ये गढ़ कलेवा के जस्ट सामने है जो छोटा सा गेट है, और वहाँ से चैनल गेट से, मतलब गेट जैसा बना हुआ है लोहे का, वहाँ से घुसते ही यहाँ पे गतिविधि प्रवेश नहीं है, फिर भी आ सकते हैं और देख सकते हैं थोड़ा बहुत किसी चीज़ को, जो है ज़्यादातर नहीं छूना है, कोई भी चीज़ों को नहीं छूना है, देख सकते हैं आके। और यहाँ पर कुछ परिवार भी है जो आए हुए हैं देखने के लिए इन सारी चीज़ों को। लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा कि सारे मछलियाँ उल्टे कैसे तैर रही है भाई। और कुआँ है जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये देखो ये सबसे बड़ी मछली है, ये इससे भी बड़ी मछली है काली कलर की, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही अभी, वो शायद नीचे होगी,
ये मछलियाँ देखो ये जो है उल्टे हैं, उल्टा और उल्टा ही तैर रही है। ये कौन सा प्रजाति है यार? लेकिन जो भी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा यहाँ पे इस चीज़ को देख करके। और इस गेट से यहाँ पे आना पड़ता है, ये वाला गेट है लोहे का, अकाउंट से लिंक है या क्या है उसका बैलेंस नहीं बता पड़ पा रहा है, तो आप किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। और ये गढ़ कलेवा है सामने में, तो भाई हमने जो है गढ़ कलेवा अच्छी तरीके से घूम लिया है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा और काफ़ी मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे एकदम मन को शांति देने वाली जगह है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं सांस्कृतिक पारंपरिक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पूरा मतलब बहुत सारा भंडार है छत्तीसगढ़ी चीज़ों का, चारों तरफ से देखा जाए ना तो छत्तीसगढ़ की चीज़ें ही नज़र आएगी। मतलब इसको जो चीज़ नोट करना चीज़ होती है नोट करने वाली वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। क्योंकि मैं भी गढ़ कलेवा है, गढ़ कलेवा के जस्ट बाजू में एक कुआं टाइप का जगह है, कुआं दिखता है मुझे, तो उसी में से आगे में मैं खड़ा हूँ। और ये जो क्षेत्र है ये म्यूज़ियम वाला क्षेत्र है, इसके जस्ट बाजू में म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी रखा हुआ है जैसे कि पीछे में सामने में दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, म्यूज़ियम का ही क्षेत्र है ये। और म्यूज़ियम जस्ट बाजू में, उसका भी ब्लॉग कभी अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में या अभी कई सारे अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं लाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक और यहाँ पर घूमने के लिए आया जा सकता है, मन को शांति देने वाली जगह है। गढ़ कलेवा हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और उसमें मैंने एक कप चाय भी पिया जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, स्वाद बढ़िया था। और मतलब यहाँ आओ तो एक कप चाय कम से कम पी के देखो तो यहाँ का जो चीज़ें हैं समझ आने लग जाएगी कि यहाँ कुछ तो बात है। तो यहाँ हमने गढ़ कलेवा काफ़ी घूम लिया है और कुछ कुछ घूमना भी बाकी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ एक चीज़ है जो नहीं दिखा पाया था मैं, यहाँ पे कौआ जैसा कुछ रखा हुआ है, ऊपर में कौआ बैठा हुआ है ऐसा कुछ है। और यहाँ पे खम्भा बना हुआ है जिसमें चलचित्र बनी हुई है। तो गढ़ कलेवा तो सामने में इन सारी चीज़ों को भी देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप लोग अगर गढ़ कलेवा आते हैं तो गढ़ कलेवा के जस्ट सामने में एक कुआं है, बड़ा सा कुआं है। उस कुएं की खासियत यह है कि वहाँ जो मछलियाँ होती है वो एकदम उल्टे तैरती है, मतलब उल्टे तैरती है। सीधा तो आपने कितने बार मछलियाँ देखा होगा तैरते हुए कहीं भी, लेकिन इस कुएँ की खासियत यह है दोस्तों, यहाँ बड़ा बड़ा मछलियाँ है, वाइट कलर की है, ब्लैक कलर की है, सारे मछलियाँ जो है उल्टे तैरती है। और इस चीज़ को भी काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि मैं देखा नहीं था कभी उल्टे मछलियाँ जो है, या हो सकता है इनकी प्रजाति कुछ ऐसा हो, गूगल में सर्च करना पड़ेगा उल्टे तैरने वाली मछलियाँ, या हो सकता है इस कुएँ की खासियत है, किसी को मैंने अभी पूछा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए, अगर आप गढ़ कलेवा आते हैं तो जैसे सामने में कुआँ है वहाँ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में मछली देखने को मिलेगी, सारे मछलियाँ उल्टे तैर रही हैं। और यहाँ पे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का ब्लॉग फिर कभी अपकमिंग वीडियोस में मेरे को दे मतलब मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यूज़ियम है बाजू में, फिर से कभी ब्लॉग बनाना पड़ेगा। और सो यही कुछ चीज़ें, अभी यही कुछ सीन है और अभी मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अब निकलने वाला हूँ। और इस ब्लॉग वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने दिखा चुका है। सो ये ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भूले। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा।